देशा में यमुना खादर में हुए नाव हादसे को लेकर प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर जरूरी दिशा निर्देश बागपत प्रशासन को दिए हैं। मामला गुरुवार का है, जब देर शाम हरियाणा की ओर से एक नाव जिसमें 12 लोग व एक नाविक सवार थे, जो सभी पानी में डूब गए। आसपास के ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से 9 लोगों को बचा लिया, जबकि एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई और 2 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं, जिनकी तलाश में NDRF की टीम लगी हुई है। मरने वाली युवती 15 वर्षीय किशोरी नसरीन पुत्री साबिर है, जबकि 9 लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 4 को घर भेज दिया गया है, जबकि 5 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों को सहानुभूति पूर्वक जिला प्रशासन ने 4,300 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मृतक के परिजनों को 4,000,000 रुपए देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बात कही गई है। SP बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव का कहना है कि नाव चालक की पहचान नहीं हो पा रही है, उसकी तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ की गई थी, लेकिन असली नाव का मालिक कौन है और कौन यहाँ पर नाव संचालित कर रहा था, इसकी जानकारी जुटाने के लिए टीम लगा दी गई है। वहीं जिलाधिकारी शकुंतला गौतम का कहना है, लापता लोगों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। NDRF की टीम बागपत से लेकर गाजियाबाद तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। घायलों को इलाज कराकर घर भेजा जा रहा है। NDRF की टीम में कमांडो श्रीनिवास के साथ 3 SO सहित 16 सदस्यों की टीम लगातार यमुना में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरियाणा के लोग यहां पर काफी समय से मछली पकड़ने के लिए नाव का संचालन कर रहे थे, जिसमें शराब की तस्करी भी की जाती थी। देखिए, ये बागपत क्षेत्र है, बागपत का जो यमुना का किनारा है, इसके दूसरे तरफ जो परली साइड है, इधर भी यहाँ के लोग जो आसपास के देशराज कॉलोनी और यहाँ मोहल्लान जो है आपका बागपत का, इनके प्लेज पे खेत हैं, जहाँ पर ये लोग अपने तरबूज वगैरह उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं और कुछ और धनिया वगैरह की भी खेती होती है, जिसमें मजदूरी करने के लिए बराबर यहाँ से लोग जाते हैं। ज़्यादातर तो ये पुल की तरफ से जाते हैं और नदी भी काफ़ी नीचे थी, लेकिन ये 2 दिन से जो पिछली बारिश हुई है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा पानी इसका बढ़ा है। यहाँ पर कुछ दूसरे परली साइड में यहाँ पर मछली मारने के लिए रहते हैं लोग, वो कभी कभी इनकी रिक्वेस्ट पे नाव से इनको क्रॉस करवा देते हैं। ऐसी एक नाव छोटी नाव थी, कल इस पे करीब 12 सवार और नाविक को लेकर के कुल 13 लोग थे, जिसमें एक 10 वर्ष का बच्चा था और एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बाकी महिलाएं और बच्चियां थीं। कुल मिलाकर के जो 12 लोग थे, वो जैसे ही इस साइड की तरफ आए, पानी यहाँ अभी भी बहुत कम है, जहाँ पर लोग घुसे हैं कमर तक ही पानी दिख रहा है, लेकिन कुछ पानी उतरा है, कल यहाँ पर ज़्यादा पानी था। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है, जो चश्मदीद हैं जो मौजूद थे उनका बताना ये है कि नाव में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से नाव एकदम से बैठ गई। यहाँ पर किनारे पर कुछ लोग बैठे भी थे, उन्होंने प्रयास करके कुछ लोगों को बचाया, लेकिन उसमें से 2 महिलाएँ, जिसमें से एक तो लड़की है 17 साल के करीब की मोनी, और दूसरी उनके साथ की एक महिला और है कश्यप कॉलोनी की, वो दोनों गायब हैं, राजेश उनका नाम है। बाकी एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी, वो भी करीब 17 वर्ष की थी, नसरीन नाम है उनका, तो उनका PM वगैरह करवा दिया गया है। और जो नाविक है, नाविक के बारे में जो लोग बैठे थे वो ज़्यादातर लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो सोनीपत का ही रहने वाला था, उसमें एक नाम जरूर आया था, उसको रात को ही गिरफ्तार किया गया था, मगर ये लोग तस्दीक नहीं कर पाए, जो लोग चश्मदीद थे वो उसको पहचान नहीं पाए, तो अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाई है। जो नाविक था वो जैसे ही मिलता है तो पूरा घटनाक्रम ये खुल करके सामने आएगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। ये देखिए कि अभी जो कल 9 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनमें से 4 की आज जो है डिस्चार्ज हो गए हैं, 5 अभी एडमिट हैं, और एक नसरीन की डेड बॉडी मिली थी, उसके परिवार को जो है, नसरीन के परिवार को 4,00,000 रुपए जो है अनुग्रह राशि जो है वो दी जा रही है, और जो डिस्चार्ज हुए हैं वो जो भी 7 दिन से कम डिस्चार्ज होते हैं उनको 4,300 की धनराशि दी जाती है, और 7 दिन से अधिक एडमिट होने पर जो है उनको 12,700 की दी जाती है। तो आज उनको जो भी डिस्चार्ज हुए हैं उनको भी धनराशि दी जा रही है। 2 मिसिंग हैं, राजेश वाइफ ऑफ करण सिंह और दूसरा मोनी डॉटर ऑफ रुगे, इसकी तलाश जारी है। अभी हमारी जो टीम है, जो गोताखोर हैं, 12 गोताखोर हैं, वो तलाश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त NDRF की 16 व्यक्तियों की टीम है, वो पूरी तरह से तलाश कर रही, तो सर्च ऑपरेशन अभी जारी है राजेश और मोनी के लिए।